हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल। एंड मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू चेक आवर ट्विन फ्लेम जर्नी, डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चेक। सो लेट्स स्टार्ट। मैं शफलिंग आप लोगों के सामने करना चाहूँगी। सो मैं सबसे पहले जो हमारे डिवाइन मास्कुलिन हैं उनके लिए कार्ड लेना चाहूँगी। वन मोर कार्ड। ओके, सो अभी मैं कार्ड जो है एक कार्ड और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कार्ड लूँगी। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। एक कार्ड में और लेना चाहूंगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी। या फोर ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड फॉर द डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। रीयूनियंस आर वेरी मच नियर फॉर दोज हु आर लर्न योर लाइफ लेसन्स एंड who those are heal their self, okay? So जिन्होंने भी अपने आप को heal किया है और अपने आप को उन्होंने grow किया है, glow किया है और अपनी चीज़ों में जो है changes किए हैं, so उनके लिए ये good news है कि उनकी जो है reunion बहुत नज़दीक है। But it's a divine time, so we don't say anything specific, okay? So, I will start from the Divine Feminine, the High Priestess, Four of Cups, Three of Cups, and the Four of Swords. So, यहाँ पर मुझे water energy and एयर एनर्जी नज़र आ रही है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड अवर वाटर साइन पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। सो आई लाइक टू स्टार्ट विद दिस। सो पास्ट में डिवाइन फेमिनाइन ने जो है डिवाइन मास्कुलाइन को अपना लव ऑफर किया था एंड ही रिजेक्ट, ही और शी वाइस वर्सा। प्लीज़ टेक थिंग्स एज यू रेजोनेट। ओके, सो पास्ट में जो है डिवाइन फेमिनाइन ने डिवाइन मैस्कुलाइन को या मैस्कुलाइन ने डिवाइन फेमिनाइन को, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर्स। सो अपना जो लव ऑफ कप है वो ऑफर किया था, लेकिन तब दे रिजेक्ट यू एंड यू फील वेरी sad, you feel regret and you feel and you was in a very low energies that time, ठीक है। so ये card ये बता रहा है, it's a past energies। और अभी भी आपको जो है वो fear लग रहा है कि अगर divine masculine आपको ये offer करता है या आप कोई आपको commitment देने की कोशिश करता है, चाहता है, so आप अभी भी बहुत ज़्यादा स्केयर्ड सा महसूस कर रहे हैं कि यू विल टेक और यू विल नॉट। सो सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन इज देयर इन डिवाइन फेमिनाइन। और डिवाइन फेमिनाइन जो है हाई प्रीस्टेस के मोड पे हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रही हैं और अपनी ही चीज़ों में जो है वो अपने आप को बिजी रख रही हैं, अपने आप को हील कर रही हैं। और वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी बताना नहीं चाहती हैं। सो और डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से भी एनर्जी हो सकती है कि सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट्स विच इज़ नॉट रिवील टू डिवाइन फेमिनाइन्स। सो वो बहुत जल्दी ही सीक्रेट्स जो हैं वो रिवील होंगे। सो इस तरह की एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, ठीक है।
दे आर फील इंटरनली हैप्पी, बट दे आर लिटिल कंफ्यूज्ड कि अब कहीं वो पास्ट वाली एनर्जी ना हो, पास्ट में जैसे रिजेक्ट कर दिया गया था तो अब कहीं वैसा ना हो, सो दे फील स्केयर्ड. ओके, एंड हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है जो वो लोग अपनी हीलिंग नहीं कर रहे हैं उनको हीलिंग करने की ज़रूरत है, उनको अपनी लाइफ के लेसन्स लेने की ज़रूरत है, और उनको अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है हीलिंग के द्वारा. हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप को, यू आर फीलिंग एनफ फॉर योर सेल्फ, और आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड सी बट सम काइंड ऑफ यू आर फीलिंग अलोन. आपको ऐसा लगता है यहाँ भी कप पड़े हैं, यहाँ से भी कप आ रहा है, लेकिन यू फील अलोन. आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी है लाइफ में. ओके, डिवाइन फेमिनाइन्स एनर्जी. लोगों को लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और खुद में अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की जो जो कमी है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है वो दिखती है, और वो थोड़ा आप लोगों को सैड फील करवाती है दैट यू आर अलोन. फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप लोगों में से कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है वो अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्रेयर कर रही हैं, और खुद तो हील हो ही रही हैं इनडायरेक्ट वे में, उनको भी अपनी हीलिंग की एनर्जी सेंड कर रही हैं. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज. ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज थी, एंड नाउ आई वॉन्ट टू चेक कि आप लोगों के लिए ये ओशो ज़ेन में से क्या कार्ड निकल के आता है. मैं यहाँ दो कार्ड्स लूंगी. सो आप लोगों के लिए कार्ड जो है वो आया है स्लोइंग डाउन, यानी कि आपको मोमेंट टू मोमेंट चलना है, आपको बहुत जल्दी नहीं करनी है. जैसे भी चीज़ें चल रही हैं गो विद द फ्लो. आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को जिए और खुश रहिए, और अपने आप को ग्रो कीजिए, ग्लो कीजिए, एंड जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा मतलब इट्स अ स्लो मूवमेंट. जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है वो धीरे 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 आ रहे हैं और उनकी हीलिंग हो रही है, और आपको भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है. कीप पेशेंस इन यू. न्यू विज़न. न्यू विज़न का मतलब ये है कि जब भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ को आएंगे, आपसे वो बातचीत करना चाहेंगे, तो आपको भी पास्ट की चीज़ों को भुला कर आगे बढ़ना है न्यू विज़न के साथ, व्हेन यू बोथ आर इन रीयूनियन. ओके, सो आपको पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल याद नहीं करना है, और अगर आप पास्ट की चीज़ें अभी भी याद कर रहे हैं तो इट मीन्स योर हीलिंग इज़ नॉट कम्प्लीट. आपने अपने आप को हील नहीं किया, आपने वो लाइफ के लेसन्स नहीं लिए हैं, सो आपको इस स्पिरिचुअल पाथ में आपने कुछ नहीं सीखा है. आई एम नॉट शुगर कोट एनी थिंग. ओके, सो आपको ज़रूरत है अपने आप को हील करने की. जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस को ऐसा लग रहा है, सो लेट्स चेक व्हाट इज़ अ लॉर्ड्स एडवाइस फॉर यू फ्रेंड्स. वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, डेथ. डेथ मीन्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन डिवाइन फेमिनाइंस. सो ये थी रीडिंग मेरी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए. आई होप यू लाइक इट. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड जो मुझे यहाँ पर लोग न्यू देख रहे हैं, आप भी मेरी इस चैनल के सोल मेम्बर बन सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके. And be my family, and we all are our family, and we sharing a positive things to each other. Okay friends, तो अब आते हैं हमारे divine masculine की तरफ, क्या उनकी energies चल रही हैं. Okay
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द लवर कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड, जेमिनाई ज़ोडियक साइन, द हेरोफेंट, टॉरस, द चैरियट, कैंसर. ओके, सो आई एम फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट दिस कार्ड. इट्स अ फाइव ऑफ वॉन्ड्स. Five of Wands says that in past divine masculine, in between divine masculine and divine feminine, very much conflict. So बहुत ज़्यादा conflicts हुए थे, बहुत ज़्यादा arguments हुई हैं, बहुत ज़्यादा harsh word एक दूसरे को exchange किए गए हैं, और इस connection में बाहरी लोगों का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, बहुत ज़्यादा influence रहा है इस relationship को ख़राब करने के लिए. So इस तरह की energy मेरे पास आ रही है. और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आपके जो डिवाइन मास्कुलाइन है, ही इज़ रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन. वो चाहे वो ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन की और आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एक ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है. और हम चाहे कितना भी एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करें, एक दूसरे से चाहे हम बात ना भी करें, वी गेट द एनर्जीज और टू ईच अदर. ओके, सो आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जीज फील होती हैं, और जिनको एनर्जीज फील नहीं हो रही हैं, आई एम सॉरी, वो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी रियूनियन अभी क्लोज नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस तरह की चीज़ें फील नहीं हो रही हैं, क्योंकि अब हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं इस जर्नी में, और डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मास्क हो, डिवाइन फेमिनाइन खासकर वो अपने आप को एक कंप्लीट फील करती हैं, चाहे उनका डिवाइन मास्कुलिन उनके साथ हो या ना हो, वो उसके अंदर भीतर जो है वो हमेशा है, उनके मन में वो हमेशा है, जस्ट लाइक द राधा कृष्णा. सो जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं, उनको पता चल चुका है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई ख़ास कनेक्शन है, और मैं इस चेन को, इस कनेक्शन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता. ओके, और यहाँ पे हमारे जो डिवाइन वो आर्केंजल माइकल हैं, डिवाइन आर्केंजल माइकल, वो इनको ब्लेस कर रहे हैं, एंड एंजल्स प्रोटेक्ट हिज दिस रिलेशनशिप, दिस यूनियन. ओके, एंड द हेरोफेंट इज सेड दैट कि आप डिवाइन मास्कुलिन पास्ट में कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहते थे, जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो डिवाइन फेमिनाइन से मैरिज नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई मूवमेंट करूँ, लेकिन अब वो मूवमेंट भी करना चाहते हैं, क्योंकि हेयर इज अ चैरियट कार्ड, इट्स ऑल्सो अ यिंग यंग एनर्जी, ट्विन फ्लेम जर्नी कार्ड, तो वो मूवमेंट करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को वो पॉजिटिव वे में आगे की ओर ले जाना चाहते हैं. पीछे चाहे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे पास्ट में, वो उन सब चीज़ों को भुला कर वो आगे मूवमेंट लेना चाहते हैं. और जिनकी शादी नहीं हुई है, वो शादी भी हो सकती है, रियूनियन हो सकती है, और जो मैरिज में है लेकिन अभी सेपरेटेड हैं या नो कॉन्टैक्ट जोन में है, सो वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो इस चीज़ के लिए ज़रूर निकलेगा. और वो जो भी करना चाहते हैं, वो एक ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन बिलीविंग इन ट्रेडिशनल थिंग्स, ये ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए भी कार्ड होता है. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स चेक कि ओशो ज़ेन से क्या कार्ड निकल रहा है आपके डिवाइन मास्कुलिन के लिए. Very beautiful energy is change. Change is coming. It's like a wheel of fortune. See, it's a very beautiful energies. Divine masculine के अंदर अब change आ रहा है. वो चीज़ों को नए तरीके से सोच रहे हैं, चीज़ों को नए तरीके से ले रहे हैं, और उनके अंदर courage भी आ रहा है. See, जैसे कि पहले हम देखते थे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, उनके लिए डेविलिश एनर्जीज आती थी, लेकिन अभी देखिए ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, करेज का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड, या चेंज का कार्ड आया है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज.
नथिंग टू से। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया और बहुत जल्दी फास्ट चेंज किया, क्योंकि हमारी डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी हैं उन्होंने काफ़ी टाइम लिया था, स्लोली स्लोली देख रूँ एंड बट हमारे जो डिवाइन मास्कुलिन है उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने आप को चेंज कर लिया एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज बट इट्स अ डिवाइन प्लान। सो लेट्स चेक लास्ट what is the message for our divine masculines. Wow, nothing to say. See, it's a very beautiful card, the lover card. Radha Krishna, divine twin flame journey card. उन्हें सब कुछ पता चल चुका है और डिवाइन भी उनको ये बार बार बता रहे हैं कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सो गो फॉरवर्ड एंड जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं उनको छोड़कर एक अच्छी नई शुरुआत कीजिए। तभी ये चेंज का कार्ड आया है और ये करेज का कार्ड आया है। डिवाइन उनको बोलना चाहते हैं कि आप साहस दिखाइए और हम आपके साथ हैं, डिवाइन हमारे साथ हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है मूवमेंट भी वो करना चाहते हैं और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स को भुलाना चाहते हैं। और जो लवर का कार्ड है, डिवाइन जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस यूनियन को, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन को। तो कुछ भी कहने के लिए नहीं रहता, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ। सो ये थी मेरी रीडिंग हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। एंड जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ भी अच्छा चेंज नहीं हो रहा है, नया चेंज नहीं हो रहा है, सो यू नीड टू बी हीलिंग, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर पेड रीडिंग के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है यू आर कंफ्यूज्ड दैट यू आर इन दिस जर्नी, दिस स्पिरिचुअल जर्नी और नॉट, और अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहिए सो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरी मेल आईडी पे जो कि नीचे इनबॉक्स में है। एंड मैं मिलती हूँ मेरे न्यू वीडियो पे नई एनर्जीज़ के साथ। अब रेस्ट करने की जो एनर्जीज थी हमारी पिछले 5-7 दिनों की वो ख़त्म हो चुकी हैं, नई एनर्जीज़ जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। सो प्लीज़ आप भी अपनी नई एनर्जीज़ के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।